सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा पंचतंत्र की तीसरी कथा। कथा इस प्रकार है। किसी नगर में चार ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र बनकर रहते थे। उनमें से तीन ने शास्त्रों का अध्ययन तो किया था, किंतु वे बुद्धिहीन थे तथा एक शास्त्र से विमुख था, परंतु लोक व्यवहार में बड़ा चालाक था। एक दिन चारों ने आपस में विचार किया कि ऐसी विद्या से क्या लाभ है जिससे देश विदेश में जाकर राजाओं को संतुष्ट करके धन न कमाया जाए। अतः धन कमाने के निमित्त कहीं चलना चाहिए तो पूर्व दिशा में चलना अधिक लाभप्रदय होगा। यह निश्चय कर वे चारों धनोपार्जन के लिए चल पड़े। कुछ मार्ग चलकर उनमें से बड़ा बोला, बंधुओं, हमें जो चौथा मूर्ख है वह केवल लोक व्यवहार में पटु है। राजाओं का दान विद्या के अभाव में केवल बुद्धि से नहीं मिलता, अतः मैं अपनी कमाई में से इसे हिस्सा न दूंगा। अच्छा, तो यह होगा कि यह घर लौट जाए। उसकी यह बात सुनकर दिति ने कहा, अरे सुबुद्धे, तुम अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई विद्या नहीं है। तब तीसरे ने कहा, भाई मेरे विचार से ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से एक साथ खेले हैं, अतः इसको भी चलने देना चाहिए। हमारे कमाए हुए धन में से यह भी एक हिस्सा ले लिया करेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि जो साधारण वेश्या की तरह पथिकों के उपयोग में नहीं आ सकती है तथा केवल प्रतिवता कुलवधू के समान एक ही व्यक्ति के उपभोग की वस्तु है, उस लक्ष्मी से क्या लाभ है? यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार का विचार संकुचित भावना के व्यक्ति करते हैं। उदार व्यक्तियों के लिए समस्त संसार ही अपना परिवार है, अतः इसको भी चलने दो। ऐसा तीसरे व्यक्ति ने कहा। आगे की कहानी में लिखा है, वैसा स्वीकार लेने पर मार्ग में जाते हुए उनमें जंगल में कुछ हटियां दिखी। तब एक ने कहा, अरे आज अपनी विद्या की परीक्षा की जाए। अब मतलब वो जब आगे गए तो उन्हें जंगल में हटियां दिखी, तो उनमें से एक कहता है, अरे आज अपनी विद्या की परीक्षा की जाए, यह कोई मेरा मरा हुआ प्राणी है, विद्या के प्रभाव से इसको जिलाया जाए, मैं हड्डियों को एकत्र करता हूँ। यह कहकर उसने उत्साहपूर्वक हड्डियों को इकट्ठा किया। दूसरे ने हड्डियों में चाम, मांस एवं खून का संचार किया। इसके बाद जब तीसरे व्यक्ति ने उसमें प्राण संचार करना प्रारंभ कर दिया, तब चतुर्थ मूर्ख सुबुद्धि ने उसे रोकते हुए कहा, अरे आप रुकिए, यह शेर बनाया जा रहा है। यदि तुमने इसको जिला दिया, मतलब जिंदा कर दिया, तो यह हम सभी को मार डालेगा। ऐसा चौथे व्यक्ति ने कहा, जिसको वो जो लोक विद्या में तो माहिर था पर शास्त्रों का ज्ञाता नहीं था, मतलब लोक व्यवहार में वो बड़ा चालाक था, तो उसे समझ में आ गई, किंतु यह उसकी बात नहीं माने, तो वो समझ गया कि वह शेर की हड्डियां हैं, तो वो उसे मार डालेंगे, शेर सबको मार डालेगा। अब आगे की कहानी इस प्रकार है। इस प्रकार उसके कहने पर वह जिलाने वाला व्यक्ति बोल, अरे मूर्ख, तुझे धिक्कार है, मैं अपनी विद्या को निष्फल नहीं कर सकता। मना करने वाले ने कहा, तो थोड़ी देर ठहरो, जब तक मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ तब अपनी विद्या का प्रयोग करना। यह चौथा मूर्ख व्यक्ति था
जो लोक व्यवहार में बड़ा माहिर था तो उसने चालाकी दिखाई। उसके पेड़ पर चढ़ जाने के बाद उसने ज्यों ही उस सिंह में प्राण का संचार किया, त्यों ही उठकर सिंह ने उन तीनों मूर्ख पंडितों को मार डाला और वह सुबुद्धि पेड़ से उतरकर अपने घर चला गया। इसीलिए कहता हूँ, ऐसी विद्या अच्छी नहीं है, अपितु बुद्धि अच्छी होती है, अर्थात विद्या से बुद्धि उत्तम है। इसके बाद स्वर्ण सिद्धि ने कहा, शास्त्रों में कुशल रहने पर भी लोक व्यवहार से अनभिज्ञ व्यक्ति उसी प्रकार उपहास के पात्र होते हैं जैसे वे लोक व्यवहार से हीन मूर्ख पंडित बने थे। तो इस प्रकार अपनी तीसरी कहानी विराम लेती है कि चौथा मूर्ख पंडित जो था वो बच जाता है। तो शास्त्रों में कुशल हो रहने पर भी लोक व्यवहार से अनभिज्ञ व्यक्ति उसी प्रकार उपवास पात्र होते हैं जैसे लोक व्यवहार से हीन मूर्ख पंडित बने थे। मतलब वो तीन मूर्ख थे और चौथा जिसको सुबुद्धि कहा था वह